आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक ऐसी रहस्यमय घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की सबसे रहस्यमय घटना मानी जाती है। इसका एक वीडियो के रूप में सबूत भी है जो इस घटना का पुष्टिकरण भी करता है। चलिए चलते हैं इस घटना की रिसर्च करने। यह बात नवंबर 2004 की है जब एक अमेरिकी नौसैनिक पायलट अपने एक साथी के साथ आम दिनों की तरह ही अभ्यास करने के लिए निकले थे, जिनमें से एक पायलट जो थे वो सीनियर थे और दूसरे पायलट जो थे वो जूनियर थे। तभी उनके रडार स्टेशन से उन लोग को ऑर्डर मिलता है कि उनको अपनी ट्रेनिंग सस्पेंड करके एक नई जगह जाना है, पर उन्हें उस नई जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। तब वह लोग वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाना शुरू कर देते हैं। जिस जेट में ये लोग जा रहे होते हैं उस जेट का नाम प्रिंस्टन स्पाई था, जिसका रडार इतना पावरफुल होता है कि वह छोटी से स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि बेसबॉल को भी कैच कर सकता था। और यह जेट 80,000 फीट यानी 80,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अब इन दो पायलट्स का जेट एक ही डायरेक्शन में अंधाधुंध ही बढ़ता जा रहा था। तब उन लोगों ने ऊंचाई को 40 से 30 और 30 से 20 फीट करके नीचे किया। अब ये दोनों पायलट वहां पहुंच चुके थे जहां इन्हें जांच करने की ऑर्डर मिल गई थी। तभी जेट नीचे करने पर उन्हें पानी में कुछ प्लेन क्रैश जैसी रहस्यमय आकृति दिखाई पड़ी। जेट के कैप्टन को तो यह कुछ और ही प्रतीत हो रहा था। उन्हें एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था जिसकी कोई विंग्स नहीं थी, पर यह ऑब्जेक्ट उड़ रहा था। इसे हम लोग UFO के नाम से भी जानते हैं, जिसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। यह ऑब्जेक्ट ऐसे उड़ रहा था जैसे उन पायलट्स ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। यह ऑब्जेक्ट एक पिंग पोंग बॉल की तरह बहुत ही तेज़ी से जिग जैग मूवमेंट कर रहा था। तब वह पायलट्स अपने जेट को सही एल्टीट्यूड पर लाकर तेज़ी से सर्कल बनाते हुए उड़ रहे थे। तब एक पायलट को उस ऑब्जेक्ट के पास जाकर देखने का मन हुआ, और जैसे ही एक जेट उस ऑब्जेक्ट के पास गया वो ऑब्जेक्ट तुरंत मुड़ा और उस प्लेन की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा। उन पायलट्स की तो हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि कोई ऐसी रहस्यमय चीज़ जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो उससे दूर ही रहना बेहतर होता है। तब वह ऑब्जेक्ट बहुत ही तेज़ी से मूवमेंट करते हुए कहीं आकाश में उन पायलट्स की नाक तले निकलकर गायब हो जाता है। अब वह पायलट्स अपने कैप पॉइंट मतलब जहां से वह लोग आए थे वहां जाने लगते हैं। तभी रेडियो से सिग्नल मिलते हैं कि वह ऑब्जेक्ट आपके कैप पॉइंट पर ही खड़ा है, जो कि पायलट की प्रेजेंट लोकेशन से 96 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसको इस UFO ने मात्र एक मिनट में ही पूरा कर दिया था। आखिर वह UFO इतनी तेज़ी से वहां पहुंचा कैसे, और उस UFO को पायलट्स की कैप पॉइंट के बारे में कैसे पता चला? तब दूसरे जेट्स को इंफ्रारेड कैमरास के साथ भेजा गया। इस UFO ने उन जेट्स की रडार्स को जैम कर लिया और इंफ्रारेड कैमरे में उसकी एक वीडियो भी कैप्चर हो गई, जो कि कुछ इस तरह है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमको कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।